यहाँ पे हैं, आप ही महामंगला हैं, सबके मंगल को करने के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं, आप ही शरणागत वत्सला हैं, शरण में आई हुई अपनी संतान पर निरंतर कृपा की वर्षा करती हैं। हे मां, आपकी ये संतानें श्रेष्ठ चरित्र की प्राप्ति के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं, आपके श्री चरणों का ही वंदन करती हैं। हे मां, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, हम भी आपके ही श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। वह जो ब्रह्मा के समान एक शिष्य को
उसका दूसरा जन्म प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करते हैं। भगवान विष्णु की तरह पग पग पर उसका पालन करते हैं और महेश्वर वर्ग उसके जीवन के समस्त विकारों का हरण करते हैं। इन सब से परे वो परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप हैं, क्योंकि वह अपनी संतानों की रक्षा के लिए, अपने शिष्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे महान सद्गुरु जिनके सामर्थ्य को प्राप्त कर हमारा जीवन धन्य हुआ, ऐसे महान सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोली आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की, राज राजेश्वरी ब्रह्ममय माँ अम्बिका भवानी की, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की, उपस्थित माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की इस छठी अस्थायिका में मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, माँ की महिमा अनंत है, अनंत है उनके भाव स्वरूप, अनंत है उनकी लीलाएं, अनंत है उनकी कृपाएं। देह रूप धारण कर आती शक्ति वही अनंत है, दुष्वृत्तियों की संहारक दिव्यता की वह पुंज है। लक्ष्मी, सरस्वती, काली उनके ही विविध स्वरूप है और इस संपूर्ण सृष्टि में निरंतर निरंतर माँ की जय जयकार, माँ का गुणगान हो रहा है। यूं उन अनंत रूपिणी माँ की महिमा गाने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है, कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं जो अपने मुख से उनकी महिमा गा सके। मेरा ये मुख माँ की महिमा गाते गाते थक सकता है, आपके ये कर्ण कान माँ की महिमा को सुनते सुनते थक सकते हैं। ये समस्त काल चक्र इसका लय हो सकता है, परंतु अनंत रूपिणी माँ की महिमा का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि उनकी महिमा को श्रवण करने का अवसर हमें मिल रहा है। ना जाने अपने जीवन की कितनी घड़ियां हमने बाहर संसार को दे दी, उन घड़ियों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन भक्तों, ये समय जो हम माँ के श्री चरणों में बैठकर उनके महिमा गान को श्रवण करने के लिए, अपने भावों को उनको उनके चरणों में अर्पित करने के लिए लगा रहे हैं, ये हमारे जीवन के स्वर्णिम पल हैं, ये हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, ये हमारे जीवन के वो क्षण हैं जिसमें स्वयं माँ आई हैं हमारे जीवन में क्रांति को छेड़ने, जिसमें स्वयं माँ आई हैं हमारे जीवन का रुख पलटने के लिए। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में ये अवसर आया। भक्तों, अब हम कथा के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर वेदव्यास जी राजा जन्मेजय को संबोधित करते हुए कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं तुम्हें उन कथा प्रसंगों को श्रवण करवाऊंगा जिन कथा प्रसंगों को स्वयं मुनि श्रेष्ठ नारायण ने नारद मुनि जी को श्रवण करवाया था। एक बार की बात है, सृष्टि का भ्रमण करते हुए नारायण नारायण की अलग जगाते हुए नारद मुनि पहुंच गए मुनि श्रेष्ठ नारायण की शरण में, उनके आश्रम में पहुंचे, नारायण नारायण की धुन रमाई हुई है, जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ नारायण, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। मैं उस प्रभु की महिमा का पिपासु हूँ और मैंने सुना है कि आप उस
ब्रह्म के भगवती स्वरूप की महिमा को श्रवण करवाते हैं, आज मेरे मन में भी अभिलाषा है जगत जननी के उस दिव्य स्वरूप के बारे में जानने की, उनकी महिमा को श्रवण करने की। क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे माँ की वो दिव्य महिमा श्रवण करवाएंगे? मुनि श्रेष्ठ नारायण मुस्कुराने लगे। नारद, अवश्य ही तुम श्रेष्ठ जिज्ञासु हो, परंतु उन अनंत रूपिणी माँ की महिमा गाने में कौन सामर्थ्यवान है? मुझ पर तो माँ का ये अनुपम अनुग्रह है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है और मुझे ये सेवा कार्य प्रदान किया है। अवश्य ही मैं तुम्हें माँ की महिमा श्रवण करवाऊंगा। जो कुछ भी मैंने जाना है, जो कुछ भी मैंने समझा है, वो सब तुम्हें बताऊंगा। आज मुनि श्रेष्ठ नारायण की ये बात सुनकर नारद मुनि जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ नारायण, फिर बताइए मुझे वो परा अम्मा कौन है? उन्होंने किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि को आकार दिया? उन परा अम्मा की दिव्य महिमा मुझे श्रवण करवाइए। मुनि श्रेष्ठ नारायण कहने लगे, नारद, वो परा अम्बा इस जगत की जननी है। वो स्वयं अपनी इच्छा से दो रूपों में प्रकट हो जाती है। ब्रह्म और शक्ति उन्हीं के दिव्य स्वरूप है। जब वो शक्ति का रूप धारण करती है तो इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार कर देती है। यो स्वयं इस सृष्टि में विस्तृत होकर वह अपनी एक एक कृति को आकार देती है और स्वयं इस धरा धाम पर पंच प्रकृति देवियों के रूप में स्थित रहती हैं। जैसे ही नारद मुनि ने सुना पंच प्रकृति देवियां, अब उनके मन में प्रश्न आया। भक्तों, आज चलिए हम सुनते हैं कि नारद मुनि जी कौन सा प्रश्न कर रहे हैं और उनके प्रश्न से हम जानेंगे आज के कथा प्रसंग को, समझेंगे कि अब वेदव्यास जी कौन सी लीला चरित्र रख रहे हैं जन्मेजय के समक्ष और शौनक आदि ऋषि सूत जी के माध्यम से कौन से दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आइए उस प्रश्न को श्रवण करते हैं। नारद मुनि जी मुनि श्रेष्ठ नारायण के श्री चरणों में बैठे हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं, हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ नारायण, आपने कहा वो महादेवी, वो जगत की जननी, वह पंच प्रकृति देवियों के रूप में इस धरा धाम पर सदैव विराजमान रहती हैं। आज मुझे बताइए कि वो पंच प्रकृति देवियां आखिर कौन हैं? उन पंच प्रकृति देवियों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ।
आज जैसे ही यह प्रश्न किया तो मुनि श्रेष्ठ नारायण मुस्कुराते हुए कहने लगे, वो पंच प्रकृति देवियां कोई और नहीं है नारद, वो पंच प्रकृति देवियां गणेश जननी दुर्गा, श्री राधा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सावित्री हैं। वही पंच प्रकृति देवियां हैं जो इस धरा धाम को सदैव आलोकित करती हैं। उन्हीं ने इस संपूर्ण सृष्टि को आकार दिया है, इसकी एक एक कृति को आकार दिया है। भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी वह अपने ग्रंथ में पांच मूल भावों की बात करते हैं। वह कहते हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी तो वह शक्ति पांच मूल भावों में प्रकट हो जाती है। वो कहते हैं पांच मूल भाव कौन से हैं? ये है प्रकाश, परम आनंद, प्रबोध, चिदुदय और स्वाभिमान। ये वो पांच भाव हैं जो इस सृष्टि में प्रकट होते हैं और ये पांच भाव ही सृष्टि की एक एक कृति को आकार दे देते हैं। और ये पांच भाव उन पंच प्रकृति देवियों के ही द्योतक हैं। समझिए इस बात को, ये पांच भाव क्या हैं? जब माता आनंदित हो गई ब्रह्म की इच्छा को पूरा करने के लिए, दो रूपों में वो शक्ति प्रकट हो गई। जब वो शक्ति उसने विस्तार किया तो परम आनंदित होकर उसने सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि के पोर पोर में जो मूल भाव है वो आनंद का भाव है। जैसे ही माँ ने इस सृष्टि को आकार दिया तो उन्होंने अपने ज्योति स्वरूप, अपने प्रकाश स्वरूप को आधार बनाया इस सृष्टि की हर एक कृति का। इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि के कण कण में शोध किया तो उन्होंने पाया कि इस सृष्टि के मूल में एक ऊर्जा है, एक प्रकाश तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि को आलोकित कर रहा है। ये संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, जड़ता नहीं है इसमें। जो जड़ भी दिख रहे हैं वो पत्थर, वो पर्वत, उनके भीतर भी चेतन तत्व है, उसका अंश है जो स्पंदित हो रहा है। चिदोदय के भाव से, चैतन्यता के भाव से माता ने सृष्टि को आकार दिया। इसी को तो खोज निकाला था जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु ने, भारत के एक महान वैज्ञानिक, वह समय जब वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस बात से अनभिज्ञ थी कि कणकण में एक शक्ति व्याप्त है, ये समस्त सृष्टि इसके मूल में एक ऊर्जा कार्य कर रही है और ये चैतन्य है, उस समय वनस्पतियों के अंदर, मेटल्स के अंदर, पत्थर के अंदर उस चेतना को प्रकट करके, उसका प्रत्यक्ष करके दिखाया था जगदीश चंद्र बसु ने। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया, क्रेस्कोग्राफ का, और उस क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार चारों ओर ऊर्जा का ही लास्य है, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा विस्तृत है और ये वनस्पतियां चैतन्य हैं। ये पत्थर भी जो है, इनके अंदर भी इनको इंटैक्ट रखने वाली जो शक्ति है वो चेतन शक्ति है। चिदुदय के भाव से प्रसन्न होकर समस्त प्रकाश को प्रकट करके माँ ने इस संपूर्ण सृष्टि को आकार दिया और प्रबुद्ध होकर इस सृष्टि को बनाया। प्रबुद्धता का मतलब क्या है? इस सृष्टि की एक एक कृति को देखिए भक्तों, हम कहने को तो सभी पुष्पों को पुष्प कह देते हैं, फूल कह देते हैं, परंतु एक एक पुष्प की जो आकृति है वह विविध है, बहुत ही गहरा उसमें कार्य हुआ है। उसकी एक एक पत्ती, सारी पत्तियां इक्वल साइज की होंगी, विभिन्न आकृतियों को धारण की होगी। कहने को तो सभी पक्षी हैं, लेकिन आकाश में जब उड़ते हैं तो हर एक के पंख अलग हैं, रंग अलग हैं। कहने को तो सभी वृक्ष हैं, परंतु वृक्ष सबका आकार अलग है, सबकी पत्तियां अलग हैं। यूं माँ ने एक बहुत गहरी इंटेलिजेंस के साथ, बहुत प्रबुद्धता के साथ इस पूरी सृष्टि को आकार दिया। और स्वाभिमान का भाव क्या है?
हर एक कृति दूसरे से भिन्न है, उसका अपना अस्तित्व है, इसीलिए वो अस्तित्व उसे स्वाभिमान के भाव से प्राप्त हुआ। और जानते हैं भक्तों, जब उस संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी माँ ने, तो उसके बाद भी माँ संतुष्ट नहीं हुई। माँ ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानव को आकार दिया और उस मानव के भीतर इन पांचों भावों का समावेश कर दिया। यूं मानव की प्रकृति को प्रकाशित, प्रबुद्ध बनाया, उसको चैतन्य बनाया, उसको स्वाभिमान से संपन्न बनाया, उसको परम आनंद से पोषित कर दिया। ये उसकी प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। परंतु भक्तों, विडंबना देखिए, जिस मानव की प्रकृति इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी श्रेष्ठ है, उसका हाल कैसा है आज? क्या उसको देखकर कोई कह सकता है कि उसके भीतर आनंद है? चेहरा देखो तो लटका हुआ है, माथे पर चिंता की रेखाएं बन ही गई हैं, परमानेंट बन गई हैं। हृदय के भीतर पीड़ा पनपती रहती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से हर व्यक्ति ग्रसित है। कहाँ है उसके जीवन में आनंद? उसकी प्रकृति तो परम आनंद से बनकर बनी थी, कहाँ गया वो आनंद? उसका अंतस्त तो प्रकाशित था, परंतु आज क्या प्रकाशित अंतस्त दिख रहा है? विकारों की कालिमा से उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। उसे माँ ने चैतन्य बनाया था, परंतु युवा अवस्था में भी जब यौवन पराकाष्ठा पर होता है, तब भी उसके अंदर चैतन्यता नहीं, शिथिलता देखने को मिल रही है। देश का युवा, हमारे बच्चे, उन्हें ही इतनी चिंताएं हैं, वही इतने शिथिल हैं, तो फिर बड़े बूढ़ों का तो कहना ही क्या? स्वाभिमान अभिमान में बदल गया है। यूं मानव की जो मूल प्रकृति थी, वो पूर्ण रूप से आज विकृति बन गई है। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस कथा का ऐसा निर्माण किया कि सर्वप्रथम अब तक हमने जितने स्कंद सुने, आज हम नवम स्कंद की गाथा श्रवण कर रहे हैं। इनसे पहले जितने भी स्कंद हैं, उसमें वध की लीलाएं हैं, और वो सारी वध की लीलाएं इंगित कर रही हैं कि ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, माँ भगवती की ये कथा मानव के अंतस्त में उसकी मूल प्रकृति को प्रकट करने के लिए आई है। और मूल प्रकृति को प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि सारे विकारों का समूल नाश किया जाए। इसमें पहले वध की गाथाएं हैं और अब पंच प्रकृति देवियों की गाथाएं हैं, जिसमें मानव जानेगा कि उसने अपनी मूल प्रकृति के उन दिव्य गुणों को कैसे धारण करना है, कैसे प्रकट करना है और माँ की श्रेष्ठ संतान बन जाना है। यूं अब जो हम प्रसंग सुनेंगे, उसमें पंच प्रकृति देवियों की गाथा होगी, जीवन के ओजस्वी गुणों को धारण करने के संकेत और शिक्षाएं हम पाएंगे, समझेंगे कि मानव का जीवन जैसे माँ ने बनाया था वो क्या था, माँ कैसा हमें देखना चाहती है, उसे हम जानेंगे। आज जब नारद मुनि जी ने ये रहस्य जाना, तो वो बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, मुनि श्रेष्ठ नारायण, आपने तो बड़ी सरलता से मुझे ये पांच नाम बता दिए पंच प्रकृति देवियों के, लेकिन मैं तो विस्तार से इनके बारे में जानना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि माँ इन रूपों में प्रकट हुई तो माँ ने कौन सी लीलाएं की, क्यों प्रकट हुई इन रूपों में, आज ये सब कुछ मुझे बताइए। अब मुनि श्रेष्ठ नारायण कहने लगे, यूं तो बहुत लंबा समय चाहिए इन सभी देवियों के का विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से इनका वर्णन करने के लिए, परंतु नारद, तुम तो श्रेष्ठ जिज्ञासु हो, इसलिए चलो आज मैं तुम्हें माँ सरस्वती का चरित्र उनके बारे में बताता हूँ। माँ सरस्वती, जिन्हें वीणा पुस्तक धारिणी कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है, विद्या की देवी है वो। अब जैसे ही नारद मुनि ने सुना विद्या की देवी है, तो बहुत से शास्त्र ग्रंथ पढ़े थे, बड़ी रुचि थी, तो अब एकाएक प्रश्न कर दिया, मुनि श्रेष्ठ नारायण,
माँ कौन सी विद्या की प्रदायनी है? क्या ये शास्त्र ग्रंथ ये सारी विद्याएं इनका निर्माण माँ ने ही किया है? आप मुझे इसके बारे में बताइए। अब मुनि श्रेष्ठ नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हाँ नारद, इस संपूर्ण सृष्टि का जितना भी ज्ञान है उसकी प्रदायनी है माता सरस्वती। माता महासरस्वती वह संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करती है। उन्होंने ही ज्ञान को प्रकाशित कर पक्षियों को उड़ना सिखाया है। उन्होंने ही ज्ञान को प्रकाशित कर इस सारे सृष्टि क्रम को एक नियम में बांधा है। उन्हीं की कृपा से पक्षी उड़ते हैं, वनस्पतियां अपने अपने यौवन को प्राप्त करती हैं, पुष्प खिलना सीखते हैं। यूं संपूर्ण सृष्टि में जो ज्ञान व्याप्त है उसकी प्रदायिनी माता महासरस्वती है। भक्तों, ज्ञान का अर्जन तो हम ही करते हैं और हमारे ग्रंथों में जानते हैं, जब विद्या की बात की गई तो हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में दो प्रकार की विद्या का वर्णन आता है। सबसे पहले वर्णन आता है पराविद्या और अपराविद्या। ये दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन आता है। ये अपराविद्या क्या है? अपराविद्या वो ज्ञान है जो हम स्कूल में, कॉलेज में, इस संसार में आकर जिसे हम सीखते हैं। इस संसार का जितना भी ज्ञान है, मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीवन के नियम, ये सब कुछ जो एक मानव सीखता है, ये सब कुछ अपराविद्या है। लेकिन इस अपराविद्या को हमारे महापुरुषों ने, हमारे उपनिषदकारों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने अविद्या कहा है। सोच करके हैरानी हुई, सुनकर के ये बात हैरानी हुई कि जिस विद्या के पीछे हम दौड़ते हैं, जिस सांसारिक विद्या को अर्जित करने के लिए हम इतने वर्ष लगाते हैं, उसको हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने अविद्या क्यों कहा? क्योंकि वो विद्या को परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि विद्या क्या है? विद्या की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तई। विद्या वह है जो मानव को मुक्त करे। इसका क्या अर्थ है? किससे मुक्त करे? किससे मुक्त होना है हमें? हमें मुक्त होना है अपने भीतर पनपने वाले अंधकार से। हमें मुक्त होना है अपनी भ्रांतियों से। हमें मुक्त होना है अपने विकारों से। हमें मुक्त होना है अहंकार से। एक और परिभाषा आती है, विद्या ददाति विनयम। अब बताइए भक्तों, जरा अवलोकन कीजिए इस संसार का, अपने जीवन का। क्या विद्या हमारे समाज में विनय, विनम्रता को प्रदान कर रही है? क्या विद्या अर्जित करने से इंसान विनम्र हो रहा है? सोच करके देखिए, देखिए जरा आसपास। हमारे समाज की हालत तो यह है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिग्रियां जुड़ती जाती हैं, इंसान अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है मुझे कोई ना समझाए, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, यहाँ पर बैठा हूं लेकिन मुझे भी मेरा ज्ञान है, सोचता है ना इंसान। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इसे अविद्या कहा, क्योंकि ये एक मानव को मुक्त नहीं कर रही, ये अपराविद्या उसे मुक्त नहीं करती, अपितु बंधन में डालकर रखती है, उसके जीवन को विकारों की ओर मोड़ती है। मुझे यहां पर एक वाक्य याद आता है। एक बार की बात है, तीन मित्र थे, बहुत वेल एजुकेटेड। एक फिजिसिस्ट था, उसको उसको भौतिकी विज्ञान का बहुत ज्ञान था, फिजिक्स का बहुत ज्ञान था। एक फिजिसिस्ट था, दूसरा ज्योग्राफी का बहुत ज्ञान रखता था, ज्योग्राफी का प्रोफेसर था, और तीसरा जो था वो मैथमेटिशियन था, गणित का विशेषज्ञ था। ये तीनों मित्र एक दिन भ्रमण पर निकले और एक स्थान पर घूमते घूमते पहुंचे तो सामने बहुत विशाल नदी थी। अब सोचा कि घूमने आए हैं तो चलो, इस नदी में भी नाव दिख रही थी, उसको नाविक को पूछा कि क्या तुम हमें दूसरे पार ले जाओगे? नाविक ने कहा, हाँ साहब, आइए आइए, मेरा तो कार्य ही यही है।
उस नाविक ने उन तीनों को, फिजिसिस्ट को, ज्योग्राफी के प्रोफेसर को और मैथमेटिशियन को अपनी नाव में बिठा दिया। अब तीनों बैठे हैं, तीनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान भी है, प्रोफेसर हैं बड़े बड़े। तो अब तीनों बातें कर रहे हैं और एकाएक उनके मन में सूझता है कि चलो इस नाविक से थोड़ी चुटकी ली जाए, इसके साथ थोड़ा मजा लिया जाए। अब पहला जो मित्र है, जो फिजिक्स का ज्ञान रखता है, वो उस नाविक को कहता है, अरे भाई नाविक, ये बताओ कि तुम सारा दिन नाव ही चलाते हो या कुछ और भी पढ़ाई लिखाई की है तुमने? वो मुस्कुराते हुए कहता है, साहब जी सारा दिन तो नाव चलाने में ही निकल जाता है। अब वो फिजिसिस्ट कहता है, अच्छा चलो थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की होगी, न्यूटन के बारे में सुना है न्यूटन के बारे में? अब जैसे ही वो सुनता है न्यूटन, तो उस नाविक ने तो कभी नाम सुना नहीं होता, कहता है, न्यूटन के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, ये कौन न्यूटन है? अब वो मित्र मुस्कुराने लगते हैं, अरे भाई इसको कुछ नहीं पता। अब वो कहता है, अच्छा आइंस्टाइन के बारे में सुना है? आइंस्टाइन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। वो कहता है, साहब जी मेरी तो सारी जिंदगी इस नाव में ही निकलती है, पूरा पूरा दिन मैंने किसे न्यूटन और वो जो आप बोल रहे हैं ना उसके बारे में नहीं सुना। अब वो कहता है, बहुत बुरा हाल है तुम्हारा। नाविक को कहता है, बहुत बुरा हाल है, तुम जानते हो तुमने अपनी 25% जिंदगी व्यर्थ कर ली। अब वो नाविक तो मुस्कुराने लगता है, सर झुकाकर नाव खेलने में लग जाता है। अब फिर वो मित्र आपस में बातें करने लग जाते हैं, थोड़ी देर और बीतती है। अब जो गणितज्ञ है ना, वो सोचता है, चलो मैं ही पूछ कर देखता हूँ इससे, क्या पता गणित का कुछ ज्ञान हो। कहता है, अरे भाई नाविक, चलो तुम्हें आइंस्टाइन और न्यूटन के बारे में नहीं पता, लेकिन ये बताओ, संख्या का तो ज्ञान रखते ही होगे, इतने लोग आते हैं तुम्हारी नाव में, हिसाब किताब तो जानते ही होगे, डिवीजन जानते हो क्या होती है डिवीजन? वो कहता है, साहब जी ये डिवीजन, ये क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं आता ये सब कुछ, मेरी नाव में सीधे साधे लोग आते हैं आप जैसे, वो मुझे श्रद्धा से वही देते हैं जितना मैं उनसे मांगता हूँ, और मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना वो देते हैं उसमें मेरी रोजी रोटी निकल जाती है, ये जो आप बोल रहे हो ना उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। अब वो मैथमेटिशियन भी हंसने लगता है जोर जोर से, तीनों मित्र हंसते हैं और कहते हैं, अरे भाई तेरा तो बहुत बुरा हाल है, तूने तो अपनी 50% जिंदगी व्यर्थ कर ली। अब तीसरा मित्र, अब वो सोचता है, चलो मैं भी एक दाव खेलकर देखता हूँ, वैसे तो इसको लगता कुछ नहीं है आता। अब वो जो भूगोल शास्त्री है, वो जो ज्योग्राफी का विशेषज्ञ है, प्रोफेसर है, वो कहता है, अच्छा भाई नाविक चल, अब ये प्रश्न तो तुझे आता ही, इसका उत्तर तुझे आता होगा, तू यहाँ नदी में नाव चलाता है, मुझे ये बता, इस नदी में जब तू नाव चलाता है और रात्रि हो जाती है, तो आकाश में तूने कौन कौन से तारामंडल देखे हैं, बता जरा। उसने कहा, रात को तो चांद निकलता है और बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं, उसमें क्या देखने की बात है, वो तो कई बार देखा है। अब उसने सोचा, इसको इसके बारे में नहीं पता। अच्छा उसने कहा, अच्छा चल ये छोड़, ये बता कि जैसे ये नदी है, ऐसी कितनी नदियां हैं पूरे देश में, तुझे पता है? उस नाविक ने कहा, साहब जी देखिए, आप मुझसे बड़े ही जटिल प्रश्न पूछ रहे हैं, ये एक नदी है, मेरे पिताजी भी इस नदी में नाव खेलते थे, मेरा जन्म भी इस नदी के पास ही हुआ और मैंने इस नदी में ही नाव खेलना सीखा है, आगे मेरे बच्चे भी यही नाव खेलेंगे, मुझे नहीं पता और कितनी नदियां हैं। अब वो भी हंसने लगा और उसने कहा, भाई तेरी तो 75% जिंदगी वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई, तुझे कुछ भी नहीं पता, इस नदी के अलावा कोई ज्ञान नहीं है तुझे। अब तीनों मित्र बड़े ही मजाक उड़ा रहे हैं उस नाविक का, हंसते जा रहे हैं, करते करते वो बात कर रहे हैं और करते करते नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अब नाव बीचों बीच पहुंच गई है और देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है, तूफान का बवंडर जब उठता है, नाविक उस नाव को संभालने का प्रयास कर रहा है लेकिन नाव डोलने लगती है। अब तीनों मित्र जो है घबरा रहे हैं, नाविक को कहते हैं, नाव को संभालो।
अब नाविक जब देख रहा है कि तूफान प्रचंड होता जा रहा है, तो नाविक अब कहता है, देखिए साहब जी, अब ये नाव को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ये लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि अब ये नाव डूब जाएगी, इसलिए आपको यदि तैरना आता है तो तैरने की तैयारी कर लीजिए, कूदना है इस नाव से, अब मैं तो चला, आप अपने आप आइए। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तैरना, उन्होंने कहा, हमें कोई तैरना नहीं आता, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, साहब जी, मेरी तो 75% जिंदगी खराब हुई थी, आपको तैरना नहीं आता, आपकी 100% जिंदगी खराब है। और वो नाविक वहां से चला जाता है। ये हाल है अविद्या का, भौतिक ज्ञान का, सांसारिक ज्ञान को अर्जित कर इंसान अभिमान को तो संजोता है, लेकिन अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ कर देता है। वो अपने मिथ्या ज्ञान को अर्जित करता है, लेकिन भव से पार होने वाले दिव्य ज्ञान से वंचित ही रह जाता है। वहां पर ये संसारिक तर्क वितर्क काम नहीं आते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में और हमारे ऋषि मनीषियों ने जो माँ सरस्वती का वंदन किया, उन्होंने उनका वंदन उस विद्या के लिए किया जिस विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती है, और वह है परा विद्या, जो इस संसार से परे का ज्ञान है। संसार से परे क्या है? संसार के दृश्यों के पीछे क्या विराजमान है? वो जगत जननी, वो जगत जननी, उन्हीं का बोध, उन्हीं का ज्ञान, वो महाज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, जो जिसे प्राप्त कर मानव बंधनों से मुक्त होता है, जिसे प्राप्त कर मानव का अहंकार खत्म होता है, और वह अपने जीवन में अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है, उसके साथ उसका एकाकार होता है। इसे भक्तों, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त करता है, उस ब्रह्म ज्ञान की प्रदायिनी माँ सरस्वती है। और माता सरस्वती के रूप का वर्णन करते हुए मुनि श्रेष्ठ नारायण बताते हैं कि वही माँ सरस्वती समय समय पर धरा धाम पर आती है सद्गुरु रूपिणी माँ बनकर। उनको सद्गुरु रूपिणी माँ का संबोधन दिया गया, क्योंकि वह आती है अपनी संतानों को उस परा विद्या से आलोकित करने के लिए। और उन सद्गुरु रूपिणी माँ के ही दिव्य चरित्र का वर्णन आर्ष ग्रंथों में आता है, जहाँ पर माँ सरस्वती के इस सद्गुरु रूपिणी स्वरूप को बताया गया है। आज हम उसी गाथा को श्रवण करेंगे भक्तों। ये बात है उस समय की, जब माँ सरस्वती की एक शिष्या हुई जिनका नाम था लीलावती। ये रानी लीलावती थी, राजा पद्म की पत्नी थी, और इनका राज्य बहुत विशाल था, विस्तृत था, और दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। रानी लीलावती अपने स्वामी से इतना प्रेम करती थी कि वह कभी कभी सोचा करती कि यदि मेरे स्वामी मुझसे दूर हो गए तो मेरे जीवन का क्या होगा। ये उसके मन में एक भय हमेशा बैठा रहता। सुख के पलों को बिताते बिताते जैसे उसके मन में ये विचार आता कि यदि मेरे स्वामी मुझसे दूर हो गए तो मेरे इस जीवन का क्या होगा, तो वो विचलित हो जाती। समय व्यतीत हुआ और उसे पता चला कि माँ सरस्वती का की उपासना कर मैं अपने जीवन में इस भय से मुक्त हो सकती हूँ। उसने निरंतर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी प्रारंभ कर दी, उन्हीं को पुकारती, उन्हीं के चरणों में बैठ जाती। जब कभी भी उसके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आते तो उन विचारों को लेकर वो माँ के चरणों में ही उनका आराधन करने लगती। और यूं उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर, उसकी इस श्रद्धा को देखकर माँ सरस्वती जो सद्गुरु रूपिणी माँ है, उनका आगमन लीलावती के जीवन में सद्गुरु के रूप में हो जाता है। वह सद्गुरु रूपिणी माँ उसके जीवन में आती है और उसे वह परा विद्या प्रदान कर देती है, वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देती है, और कहती है, लीला, अब तुमने इस ज्ञान को लेकर इस ज्ञान मार्ग पर चलना है निरंतर। जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सृष्टि का सबसे अनमोल ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण कर जब तुम निरंतर इस पथ पर चलोगी तो तुम्हारे हृदय में पनपने वाला ये भय क्षीण होगा। ये ज्ञान ही तुम्हें वो शक्ति प्रदान करेगा जीवन की हर परिस्थिति में अडिग खड़े रहने की। ये ज्ञान ही तुम्हारा
संबल बनेगा, इस ज्ञान से ही तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होगी लीला। इसलिए अब चिंता नहीं करनी, निरंतर इस ज्ञान को प्राप्त कर चिंतन में रहना है, और जब भी तुम मुझे पुकारोगी तो मुझे अपने साथ ही पाओगी, ये मैं तुम्हें वचन देती हूँ। आज लीलावती ने जब वो ज्ञान प्राप्त किया, अब वो निरंतर उस ज्ञान की ध्यान साधना करना प्रारंभ कर देती है, अपने राजकाज के कार्यों को भी कर रही है, अपने स्वामी के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों को निभाती है, और यूं उसका जीवन सुख से बीत रहा है। लेकिन एक दिन राज्य सभा में जब सभी बैठे हैं, लीलावती भी वहां स्थित है, तो एक वहां पर एक दूत दौड़ता हुआ आता है, और वो दूत कहता है, महाराज की जय हो, हमारे राष्ट्र पर, हमारे इस राज्य पर बहुत विकट समस्या आ गई है। महाराज, पड़ोसी देश के राजा उन मलेच्छों ने हमारे इस राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वो अपनी सेना को लेकर शीघ्र अति शीघ्र महल के इस राज्य के द्वार तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए आप अब शीघ्र अति शीघ्र अपनी सेना को लेकर उनसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि की ओर चलिए। राजा पद्म जैसे ही सूचना को प्राप्त करते हैं, अब अगले ही क्षण अपने सेनापतियों को, अपनी समस्त सेना को सज्ज होने का आदेश देते हैं, और कुछ ही समय में वो अपनी समस्त सेना को लेकर अपने राज्य की रक्षा के लिए सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भीषण युद्ध चल पड़ता है। राजा पद्म अपने पूरे पराक्रम से उस युद्ध में डटे हुए हैं। उन मलेच्छों को, उन राजा की सेना को खत्म करते जा रहे हैं, परंतु क्योंकि एकाएक ये युद्ध उनके देश के ऊपर आ पड़ा, तो अब तैयारी पूरी नहीं है। सारी सेना डट करके युद्ध कर रही है, परंतु आज राजा पद्म को उस युद्ध को लड़ते लड़ते बहुत से आघात लग जाते हैं। और एक दिन आता है जब उस रणभूमि में एकाएक राजा पद्म मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जैसे ही राजा पद्म वहां गिरे, तो अब समस्त मंत्री जो हैं, वो उन्हें तत्क्षण वहां से उठाते हैं और चिकित्सा गृह में ले आते हैं। चिकित्सा गृह में जब सभी जो वैद्य थे वो उनका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तो आज वो हर प्रयास करके देख लेते हैं, परंतु उनको कहीं पर कोई चेतना नहीं मिल रही। वो बहुत से औषधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु आज राजा पद्म की देह में कोई प्राण नहीं है। और तब वो अपना सर झुकाकर बाहर आकर मंत्रियों को सूचना देते हैं कि अब राजा पद्म इस देह में, इस संसार में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। जैसे ही मंत्रियों को ये सूचना मिलती है, बिना किसी को बताए सीमा पर युद्ध छिड़ा है। वह अपने राजा की उस मृत देह को राजमहल में ले जाते हैं। आज राजमहल में जैसे ही जाकर उस देह को रखा, और महारानी लीलावती को, लीला को ये सूचना मिली कि उसके स्वामी, उनका देहांत हो गया है। इस सूचना को सुनकर ही वह इतनी विचलित हो गई कि वह एकाएक मूर्छित हो अपने कक्ष में गिर गई। जब उसे सुधि आई, होश आया, तो उसके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी, और वह दौड़ती हुई अपने स्वामी की देह के पास पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, स्वामी उठिए, उठिए, मैं आपकी पत्नी लीलावती देखिए आपके समक्ष बैठी हूँ। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आपने तो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अपनी प्रजा के लिए। देखिए हमारे राज्य पर विपत्ति काल आई हुई है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। उठिए स्वामी, मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए ना, एक बार नेत्र खोल के देखिए तो सही। आज बार बार प्रयास कर रही है, परंतु उसका हर प्रयास विफल हो रहा है, क्योंकि राजा पद्म का देहांत हो गया है। अब एकाएक उसे स्मृति आती है कि माँ ने तो कहा था हर विपत्ति काल में वो मेरे संग होंगी, कहाँ है माँ, कहाँ है, आ जा, देखिए ना मेरे स्वामी, उनके देह में कोई चेष्टा नहीं हो रही। आपने तो कहा था इस ब्रह्म ज्ञान से मेरी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी, फिर ये कैसा विपत्ति काल मेरे जीवन में आ गया। उठिए माँ, देखिए ना, ये उठ ही नहीं रहे। माँ मैं जानती हूँ सिर्फ आप ही आकर इन्हें उठा सकती हैं, आप ही इन्हें पुनर्जीवित कर सकती हैं। कहाँ है माँ, कहाँ है आप।
माँ को उलाहने दे रही है, पुकार रही है, तभी एकाएक जब उसके हृदय से ऐसे भाव उठे तो वो जगत जननी वह माँ सरस्वती जो उसकी सद्गुरु रूपिणी माँ थी वो उसके समक्ष संपूर्ण श्री विग्रह लेकर उस कक्ष में प्रकट हो जाती है। आज जैसे ही माता को अपने समक्ष देखा दौड़ती हुई गई और माता के चरणों में गिर गई। माता के चरणों में फूट फूट कर रो रही है और कह रही है, माँ देखिए ना, आपने तो कहा था मेरे जीवन में कोई विपत्ति काल नहीं आएगा, लेकिन देखिए आज क्या हो गया है। मेरे स्वामी उनकी देह में कोई चेष्टा ही नहीं हो रही, इन्हें उठाइए ना माँ, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, आज क्यों आप विलंब कर रही हैं। आज माँ कठोर हो गई है, कोई सांत्वना भरा शब्द नहीं कह रही। माँ स्थित तो है, उसके मस्तक पर प्रेम भरा हाथ भी नहीं रख रही और सख्त शब्दों में कहती है, लीला ये क्या कर रही है तू, मैंने तुझे कहा था ये ज्ञान तेरा संबल बनेगा हर विपत्ति काल में, मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि तेरे जीवन में कोई विपत्ति काल नहीं आएगा, मैंने तुझे कहा था जब भी विपत्ति काल आए इस ज्ञान का अवलंब लेना। क्या कर रही है, भूल गई कि तू एक रानी है, भूल गई तुम्हारे इस राज्य पर कैसा संकट आया है, आज तुझे अपने कर्तव्य का अनुपालन करना है। और तू क्या इस बात को नहीं जानती कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसका अंत होना है, फिर क्यों विकल हो रही है, आज ये सारी प्रजा तेरी ओर देख रही है और तू यहाँ पर व्यर्थ विलाप कर रही है, उस ज्ञान का अवलंब ले लीला, उस ज्ञान का अवलंब ले, ये समय टूटने का नहीं है, ये समय उस ज्ञान की शक्ति को जागृत कर खड़े हो जाने का है, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने का है। आज माँ का एक एक वो सख्त शब्द मानो एक प्रहार की तरह लग रहा है लीला के हृदय पर, उसके मोह पाश को भंग करता जा रहा है और एकाएक लीला माँ के चरणों में गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं जानती हूँ आप जो कह रही हो बिल्कुल उचित है, लेकिन माँ आप तो जानती हैं मेरा सबसे बड़ा भय यह था कि अगर मेरे स्वामी दूर हो गए मुझसे तो मेरे जीवन का क्या होगा, और आज वह भय साकार होकर मेरे समक्ष खड़ा है, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जानती कि मैं आगे क्या करूंगी, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, परंतु माँ तुमने सदैव हर विपत्ति काल में मेरा सहारा बनकर मेरा मार्गदर्शन किया है, आज भी तुम ही ने मुझे मेरे कर्तव्यों का भान करवाया है, हे माँ तुम ही इस विपत्ति काल से कैसे उभरना है, क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन करो। और आज वो माँ के चरणों में कैसी प्रार्थना रख रही है, आइए भक्तों हम श्रवण करते हैं। लीला आज माँ के चरणों में बैठी है और अपने भावों को रख रही है, माँ मैं कुछ नहीं जानती, ना मुझ में सामर्थ्य है, ना मेरा प्रयास है, केवल तुम ही हो जो सदैव मेरे साथ हो, केवल तुम ही हो जो सदैव मेरे पास हो, तुमने ही हमेशा मेरा श्रेष्ठ पद की ओर मार्गदर्शन किया है, आज भी तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। याद आई
वैसा करती जा। सर्वप्रथम अपने मंत्रियों को आदेश दे, उन्हें कहे जाओ जाकर कमल के पुष्प लेकर आओ, उन कमल के पुष्पों से राजा पद्म की देह को ढक देना और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करना प्रारंभ कर दे। उसके बाद मैं तुझे जैसा जैसा बताती जाऊंगी बस वैसा वैसे करते जाना, बिल्कुल भी चिंता तूने नहीं करनी, अपने सारे ध्यान को चिंतन में लगा ले, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। ये आज्ञा देकर आज लीला ने जब ये आज्ञा प्राप्त की, माँ के चरणों में नतमस्तक हो रही है और माँ वहां से अंतर्धान हो जाती है। इधर वो मंत्री देख रहे हैं, न जाने हमारी महारानी को क्या हो गया है, वो सुस्त हो बैठी है, दीवार की ओर देखकर रोए जा रही है, ना जाने किससे बातें कर रही है, क्योंकि वो मंत्री नहीं देख पा रहे माँ को, लेकिन लीला अपने समक्ष अपनी सद्गुरु रूपिणी माँ को देख रही है। माँ वहां से अंतर्ध्यान हुई और लीला ने अब रुक किया अपने मंत्रियों का, उन्हें कहा मंत्रीवर दूतों को भेजकर कमल के पुष्पों का बंदोबस्त करवा लीजिए। आज जैसे ही उन्होंने ये सुना कहने लगे महारानी आप क्या करने वाली हैं, कमल के पुष्प क्यों चाहिए आपको। महारानी लीलावती ने कहा राजा पद्म की देह को कमल के पुष्पों से ढकना है। अब वो मंत्री कहने लगे महारानी पहले ही विपत्ति काल आया हुआ है, सीमा पर युद्ध छिड़ा है, इस समय आप ये क्या करने जा रहे हैं, हमें राजा पद्म की देह की अंत्येष्टि की तैयारियां करनी चाहिए, परंतु राजा पद्म की देह को कमल के पुष्पों से ढकने का अर्थ आप उनकी देह का संरक्षण करना चाहती हैं। आज लीला ने उनकी अब एक भी बात नहीं सुनी, वास्तविकता तो यही थी कि आज माँ ने उसे एक ऐसा विज्ञान बताया था, प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान की एक ऐसी विधि बनाई थी जिससे मृत देह की भी का भी संरक्षण किया जा सकता है, और अब उसने अपने मंत्रियों की एक नहीं सुनी, कहने लगी मंत्रियों जैसा कहा है वैसा करो, जाओ शीघ्र अति शीघ्र कमल के पुष्पों का बंदोबस्त करो। आज कमल के पुष्प लाए गए और जैसे ही वो कमल के पुष्प आए, महारानी लीलावती ने अपने पति की देह को उन कमल के पुष्पों से ढक दिया और तब माँ की आज्ञा के अनुसार वो ध्यान करने लगी, नेत्र मूंद कर पद्मासन लगाकर
आज ध्यान कर रही है और अंदर घट में माँ के तत्व स्वरूप उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर रही है। माँ के निराकार स्वरूप की छवि को देखकर आज उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। कहने लगी मन ही मन अपने भावों को माँ के श्री चरणों में अर्पित कर रही है और कहती है, माँ मैं जानती हूँ तुम सदैव मेरे साथ होती हो। जब भी मैं अपने नेत्रों को मूंदती हूँ तुम्हारे इस निराकार स्वरूप के दर्शन मुझे होते हैं। परंतु माँ मैं उस साकार स्वरूप का सान्निध्य कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं कि जब जब भी मैं दुखी हुई हूँ तुमने अपनी करुणा मई गोद मुझे प्रदान की है। उस पर सर रखकर मैंने अपने सारे दुखों को अर्पित किया है आपके चरणों में। मैं कैसे भूल जाऊं कि आपने ही माता बन जब जब भी मुझे आवश्यकता थी एक सहारे की आपने मेरे मस्तक पर हाथ फेरा। आपने पिता बन मुझे उत्साहित किया। आपने ही हर विकट परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। आज माँ मेरे जीवन का सबसे विकट पल है। इस पल से बाहर निकलना, इस दुख को झेलना मेरे लिए संभव नहीं है। आपकी आज्ञा पर चल तो पड़ी हूँ परंतु इस पथ पर आगे कैसे बढ़ना है मुझे नहीं पता। आगे अंधकार ही अंधकार दिखता है, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं दिखता। इसलिए आप आइए अपना साकार सान्निध्य मुझे दीजिए, मुझे आपके साकार सान्निध्य की आवश्यकता है। बारंबार माँ को पुकार रही है और उस समय वो लीला जिसके नेत्र मुंधे हुए हैं माँ को पुकार रही है, एकाएक उसके समक्ष कक्ष में अपना संपूर्ण श्री विग्रह धारण करके माता महासरस्वती प्रकट हो जाती हैं। लीला अनभिज्ञ है, वो सोचती है मैं अंतर घट में माँ के दर्शन कर रही हूँ। परंतु अब माँ लीला को रोते हुए देखती है तो आज उनके नेत्रों से भी अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। आज लीला के मस्तक पर माँ हाथ रखती है, कहती है, पुत्री मैं तुझसे दूर कब हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है, देख मैं तेरे समक्ष हूँ। भक्तों हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से पल आते हैं जिन पलों में हम एक सहारा खोजते हैं, हम किसी ऐसे को खोजते हैं जिसके कांधे पर सर रखकर दो पल के लिए रो लें। इस संसार में हमें वो कांधा अगर मिलता भी है तो बस कुछ क्षणों के लिए। बहुत से प्रिय जन तो ऐसे होते हैं जो इस संसार में ही हमारे प्रेम को ठोकर मार देते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे प्रियजन होते हैं जिनका ग्रास मृत्यु कर लेती है और तब हम अकेले रह जाते हैं। खुशी के पल आते हैं तो सब साथ होते हैं, परंतु जब दुख की घड़ियां आती हैं तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कोई नहीं मिलता जिस पर हम आश्रित हो सके, हर संबंध छोटा लगने लगता है। इंसान को एहसास होता है कि मेरा कोई नहीं, कहां जाऊं। परंतु भक्तों इस संसार के सारे रिश्ते तो छोटे पड़ सकते हैं, इन संसार के सारे रिश्ते नाते तो फीके पड़ सकते हैं, परंतु इसी संसार में एक रिश्ता ऐसा है जो कभी छोटा नहीं पड़ता, जिस पर कभी निराशा नहीं होती, जो कभी आपके जीवन में निराशा का कारण नहीं बनता, वह सदैव सदैव साथ देता है, साथ रहता है। जानते हैं वो संबंध किसके साथ होता है, वो संबंध कौन सा होता है? इस सृष्टि में सबसे पवित्र सबसे श्रेष्ठ संबंध एक गुरु और एक शिष्य का। एक सद्गुरु अपने शिष्य के लिए किसी भी परिधि को पार करके आ जाते हैं लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। वो काल की दूरी भी तय कर सकते हैं लेकिन अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके लिए देह की परिधि भी मायने नहीं रखती, वह हर क्षण हर पल अपने शिष्य के साथ रहते हैं। क्योंकि एक सद्गुरु जब एक शिष्य को ज्ञान देते हैं तो उस समय जब उसे ज्ञान देते हैं तो अपने शिष्य को अपनी आत्मा रूपी गर्भ में धारण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें दो हृदयनी मां कहा गया।
जैसे एक माता अपने शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, 9 माह तक उसे पोषण करती है, अपने रक्त से सींचती है, लेकिन एक सांसारिक माता तो 9 माह के बाद अपने शिशु को जन्म दे देती है। परंतु वह सद्गुरु जब एक शिष्य को ज्ञान देते हैं तो उसे अपनी आत्मा रूपी गर्भ में धारण करते हैं और जन्मों जन्मों तक उसे अपने गर्भ में धारण करके रखते हैं। उसके हर एक भाव स्पंदन का पान वो करते हैं, अपनी आत्मा के साथ उसके उसे जोड़ लेते हैं। उसके हृदय में उठने वाले हर एक भाव को पहले गुरु ग्रहण करते हैं, फिर शिष्य तक वो पहुंचता है। शिष्य को चाहे बोध हो या ना हो, उसे तो ये भी नहीं पता होता कि मुझ पर विपत्ति आने वाली है, परंतु गुरु पहले से ही चिंतारत होते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके लिए कोई सीमा मायने नहीं रखती। एक बात बताइए भक्तों, आपने मीराबाई जी का नाम तो सुना होगा, सुना है ना, और ये भी सुना होगा कि उनके अपने ही परिवार के लोगों ने, राणा ने उन्हें विष का प्याला भेजा था, विष का प्याला भेजा था, तो क्या उसके बाद मीरा का अहित हो गया था? उसके साथ साथ ये भी सुना होगा कि उसके विष के प्याले को किसी ने अमृत बना दिया था। कौन था वो? क्या उसके परिवार के लोग थे? क्या है किसी में इतना सामर्थ्य इस संसार में? आज भी क्या किसी में इतना सामर्थ्य है कि वो विष के प्याले को अमृत बना दे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर काल में हुए, मीरा द्वापर काल में हुई एक गोपी थी, उस द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी को ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान देकर अपनी आत्मा रूपी गर्भ में धारण किया था, काल परिवर्तित हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, वो गोपी मीरा बनकर आई कली काल में। लेकिन जब उस शिष्या पर कली काल में विपत्ति आई तो भगवान श्री कृष्ण वो सद्गुरु काल की दूरी को तय करके, देह की दूरी को तय करके प्रकट हो गए और उन्होंने उसके विष के प्याले को अमृत बना दिया। कोई कर सकता है क्या ऐसा? संसार का कोई रिश्ता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरु करते हैं। एक और बात बताइए, द्रौपदी की रक्षा आपने, आप सब जानते हैं ना किस प्रकार से उसके अपने ही घर में उसके साथ चीरहरण का प्रसंग हो रहा था। उसके पति अपने पति वहां खड़े थे, जिन पतियों के बल को देखकर पूरा संसार थर्राता था। उसके अपने ससुर सब वहां पर थे, परंतु किसी ने भी आगे बढ़कर क्या उसकी रक्षा की थी? बताइए, कोई आगे आया था उस समय? किसने उसकी रक्षा की थी उस समय? जो सभा में उपस्थित ही नहीं थे, लेकिन उसके सखा थे, परम सखा थे, उसके गुरु थे, वो भगवान श्री कृष्ण जो वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये भी वो भूल गए कि इसकी रक्षा करने के लिए मुझे जड़ साड़ी का रूप लेना पड़ेगा। लेकिन जड़ साड़ी का रूप लिया और उसके शील का रक्षण किया। कोई कर सकता है क्या ऐसा? किसी मानव में इतना सामर्थ्य है क्या? नहीं। गुरु देह नहीं होते, वो शक्ति होते हैं, इसीलिए वह कहीं पर भी और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। उनमें वो सामर्थ्य होता है कि वो अपने शिष्य की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी महासमाधि ले चुके हैं, स्वामी विवेकानंद को विदेश जाने का अवसर मिला, शिकागो पहुंच गए, बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन जब इतनी परेशानियां झेल कर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पहुंचे और उनका नाम अनाउंस हुआ, अ हिंदू सेंट फ्रॉम इंडिया, स्वामी विवेकानंद, जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, उन्हें 5 मिनट का समय मिला था उस सभा को संबोधित करने के लिए। अब पहली बार विवेकानंद को ये कौंधा, मेरा नाम अनाउंस हो गया है, मैंने बोलना क्या है, कैसे अपने गुरु की बात को 5 मिनट में रखूंगा? घबरा गए, लगा मुझे बोलना नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। उस क्षण उन्होंने अपने नेत्र मूंदे, वह ठाकुर, वह रामकृष्ण परमहंस जी जो देह त्याग चुके थे,
वो उनके अंतर्घट में प्रकट हो गए। कहने लगे, नरेंद्र घबराता क्यों है? 5 मिनट तुझे दिए हैं, मुझे 5 मिनट की परिधि में कोई नहीं बांध सकता। तू नहीं मैं बोलूंगा, बस जाकर खड़ा हो जा, मैं बोलूंगा। और नरेंद्र ने अपने ठाकुर के जब वो दिव्य दर्शन किए तो आज कुछ नहीं सोचा। उस विकट परिस्थिति में ठाकुर के दर्शन कर कर वो तृप्त हो गए और जैसे ही जाकर माइक पर खड़े हुए, सामने खड़े हुए डायस पर माइक पर 2 शब्द बोले उन्होंने, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना सा बोलना था कि पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा, मानो एक ऐसा संचार हुआ है कि सबके हाथ उठ गए, सब तालियां बजाने लगे और कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो तालियां बजती रही। जब उन्होंने अपनी स्पीच दे दी, चारों ओर उनकी वाहवाही होने लगी, वो सम्मेलन खत्म हुआ तो जर्नलिस्ट ने पूछा, स्वामी जी आपने ऐसा क्या बोला था? वो सिंपल से शब्द ही तो थे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लेकिन पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। आखिर ऐसा क्या था? जानते हैं उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो मात्र शब्द नहीं थे, मेरे ठाकुर का आत्मिक स्पंदन था जिसने जब उस हॉल में बैठे हुए लोगों के हृदय को छुआ तो उनका हृदय झंकृत हो गया और उनके हाथ उठ गए तालियां बजाने के लिए। भक्तों ऐसे होते हैं एक सदगुरु, कभी भी आपको कम नहीं पड़ने देंगे, कभी भी आपको असहाय नहीं देखेंगे। असहाय